बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बहराइच में दबंगों ने घर में घुसकर मचाया उत्पात। पुरानी रंजिश में दबंगों ने मचाया उत्पात। दबंगों ने पीड़ित व्यक्ति के घर में घुसकर ईंट व पत्थर, लाठी डंडे व हथगोले बरसाए हैं। पीड़ित व्यक्ति के घर के परिजनों को आई गंभीर चोटें। पीड़ित ने थाने में दी है तहरीर। तहरीर में गोली चलने की भी कही जा रही बात। पुलिस ने अभी तक नहीं किया है मामला दर्ज। पीड़ित व्यक्ति ने बहराइच एडिशनल एसपी की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। घटना रिसिया थाना क्षेत्र के चकिया पुल गाँव का बताया जा रहा है। राकेश कुमार पाठक है और मैं चकिया पुल में रहता हूँ और थाना रिसिया क्षेत्र अंतर्गत आता है। मामला ये हुआ कि कल शाम को हम अपने मतलब 4:30 बजे 5:30 बजे झगड़ा हुआ था, मतलब गाली गलौज हुई थी। तो हमारे पिताजी ने उसका लड़का जो है विपक्षी का वो मंदिर पर गाली दे रहा था तो क्या कहते हैं हमारे पिताजी ने उनके पिताजी से शिकायत की। शिकायत करने के बाद में वो शराब पिए था। शराब पीने के नशे में वो आकर के ईंटा इद्धा चलाने लगा। ईंटा इद्धा जब चलाने लगा इसके बाद में बहुत बड़े बड़े हाथ गोले देखे होंगे अभी आपने जब गए होंगे और हम हमारी वीडियो में भी वो गोले जो फेंके हैं उसमें हमारे घर में घुस गए। घर में घुस करके जो शोर शोर मचाया है, टक्कर टूट गया, हम साइकिल टूट गई है और क्या कहते हैं और छोटे छोटे बच्चों को चोट दिया है। जी जी, पुलिस को एप्लीकेशन दिया, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है और क्या कहते हैं वो एप्लीकेशन बदलने की बात कर रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन बदल दीजिए, दूसरी एप्लीकेशन लिखवाइए, जितने लोगों का नाम है वो हटवा दीजिए और ये जो तमंचा बंदूक वगैरह है ये हटवा दीजिए। एसएचओ का कहना? हाँ, एसएचओ का कहना से मिले, एडिशनल एसपी से हम मिले हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम FIR दर्ज करवा के मुकदमा लिखवाएंगे। जितने हल्की ईंटा रहता उन आए पाए हैं, भारी ईंटा ना आए पाए।